जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव समर में फतह पाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भाग नहीं लिया। पूर्वी सिंहभूम के प्रखंड स्तर पर झामुमो के संगठन को मजबूत करने के प्रयास को जबरदस्त झटका लगा है। विष्टोपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भंग जिला कमेटी के अध्यक्ष रोडिया सोरेन, उपाध्यक्ष बाबर खान और केंद्रीय महासचिव सह भू राजस्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मथुरा महतो, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित अन्य नेता नहीं आए। वहीं शिविर में झामुमो के बहरागुड़ा विधायक विद्युत वरण महतो ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पूर्व मंत्री सुधीर महतो, दुलाल भुइया और केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार, राजू गिरी, सुमन महतो और अमूल्यो सरदार सहित अन्य पहुंचे हुए थे। उन्होंने जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत बनाने और लोकसभा उपचुनाव समर को जीतने के हुनर बताए। इस संबंध में बहरागोड़ा से झामुमो के विधायक विद्युत वरण महतो ने बताया कि जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न प्रखंड से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। पार्टी के सुप्रीमो निर्देश दिए हैं कि जिले के अंदर शिविर लगा के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दें, साथ साथ इस महामारी के रूप में अकाल का समय है और हो रहे क्षेत्र में विकास की जो योजना, इसमें लूट की कमी हो और जनता को रोजगार से डायरेक्ट जोड़ सके, इसलिए गुरु जी ने डायरेक्ट दिशा निर्देश दिए। उसी के साथ ये पंचायत शिविर है, साथ साथ आने वाले समय या संसद के चुनाव है, पूरा जोर शोर से तैयारी है। इसीलिए हम लोग ने महसूस किया कि पंचायत के लेवल का जो है अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष सक्रिय कार्यकर्ता से सेमिनार में बुलाया गया और अब देख रहे हैं भारी तादाद में कार्यकर्ता का हुजूर उपस्थित है और जेतु झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले भी सीट रह चुका है और लोग कार्यकर्ता का भारी दबाव है कि यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव को निकले। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता शिविर में भंग जिला कमेटी के एक भी पदाधिकारियों के नहीं पहुंचने पर विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि वरिष्ठ नेता हैं, उनको बगैर बुलाए आना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए था। पूरा जिला कमेटी ही नहीं रहा, इसलिए उन को पद मुक्त किया गया है और एक वरिष्ठ नेता का हिसाब से उनको आना चाहिए था। हम लोगों ने या संयोग मंडली ने किसी को भी इस तरह का रुकावट नहीं डाले हैं। कौन से उन लोग पदमुक्त जरूर हुआ है, लेकिन हमारा वरिष्ठ नेता है, अभी भी आए सम्मान है, हम हार्दिक दिल से उसका हम सम्मान करते हैं और स्वागत भी करेंगे। इसको कितना गंभीरता लेती है संयोग मंडली? गंभीरता क्या है, हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता है, आए काम शुरू करें जिस तरह। लेकिन कहीं ना कहीं से संगठन पर तो इसका असर पड़ेगा रामदास जी। देखिए राजनीति में संगठन में उतार चढ़ाव होता ही है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। एक समय पूरा देश में एक ही भाजपा का एक ही यह था, वाजपेयी जी बिल्कुल एमपी थे, दूसरे बार भाजपा केंद्र में सत्ता में आई, राजनीति तो होती है।